एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह का ब्लॉग आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग के साथ। बहुत दिन बाद आप लोग से मेरी मुलाकात होती है कभी कभी। आज है संडे 4 तारीख। हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू। सारे भाइयों को मेरा ढेर सारा प्यार, और बड़े भाई को प्रणाम, और छोटे छोटे भाइयों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो सुबह सुबह मैं हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में ये देखिए अभी हो रहा है इडली, और यहाँ पर पक रही है, दूध उबल चुका है, और ये है सांभर पक रहा है। तो आई होप आज का दिन बहुत अच्छा जाए। तो व्लॉग को देखते रहिएगा। और आज बहुत दिनों के बाद, मतलब शादी के बहुत दिनों के बाद, मैं जो हूँ भाई दूज का, मैं फोटा देने जाऊँगी, भाई फोटा जिसको बोलते हैं। तो मैं जाऊँगी अपनी बड़ी मम्मी के घर, और यहाँ पर चल रहा है सफाई अभियान। तो आज जो है, मतलब घर में काम लगेगा। तो जो वो बेड है मेरा, वो एक जगह से थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो बेड को वो पूरी तरीके से मतलब एकदम उसका रिपेयर करवाएंगे, उसको बनवाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और कि मैंने एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एक गिफ्ट मैंने मम्मी के लिए लिया है। तो मैंने क्या लिया है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। तो ये सरप्राइज़ जानने के लिए प्लीज़ आप व्लॉग को ज़रूर देखते रहिएगा। मतलब इतना ज़्यादा वो गिफ्ट इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा प्रीशियस है, बिल्कुल भी मम्मी ने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये गिफ्ट भी उनको मिल सकता है। मुझे, मैंने वो मम्मी को गिफ्ट किया एज अ दिवाली गिफ्ट, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। हाँ, शादी हो रही है। अच्छा, ये देखिए दुर्गा माँ की शादी हो रही है, और मेरी टिया ने कितना प्यारा ड्राॅइंग बनाया है। एटा देखो, हाँ ये देखिए, बहुत सुंदर। और ये देखिए, ये भी मैंने मम्मी के लिए मंगवाया है। ये है प्रेस्टीज का 1.5 लीटर का, जो पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि अब ठंडी आ रही है, इसकी ज़रूरत तो हमेशा ही पड़ेगी। तो ये भी मम्मी के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट था। ये जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया, ये भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये भी देखिए, ये भी दिवाली का गिफ्ट मैंने मम्मी को किया है, दिवाली में मैंने मम्मी को गिफ्ट दिया है। ये भी पैनासोनिक का है, 34 इंचेस का LED। और ये देखिए, सुबह सुबह पक गई खीर स्पेशली फॉर भाई फोटा, भैया दूज के लिए मैंने बनाई है खीर। इसे मैं ले जाऊंगी अपने भाई के लिए। नाना हो जाते हो जाते। सांभर रेडी। सॉफ्ट इडली बनके रेडी। ये देखिए, सुबह के ब्रेकफास्ट में ये सब थोड़ा हेल्दी खाओ तो अच्छा लगता है। फिर कल से मंडे रेगुलर स्कूल, अब छुट्टियाँ भी ख़त्म, तो सोचा कि बना लूँ। फिर ये सब चीज़ें ठंडी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। भाई कपाले दिलुम फोटा, भाई कपाले दिलुम फोटा, जमेर धरे जमन धरे, पड़लो काटा पड़लो काटा, जमुना जम के फोटा, जम के फोटा, आमी दी अमर भाई के फोटा, भाई के फोटा, जम जेमन जम जेमन, अमर अमर, आमार भाई तेमनी अमर, तेमनी अमर, जम जेमन अमर, आमार भाई तेमनी अमर, तेमनी अमर। आबार नाओ, आबार नाओ, चलो ये लास्ट है। हाँ आगे पायसटा खाओ। आ मुख मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने पहना है ग्रीन कलर का बहुत ही खूबसूरत सा सूट। भाई फोटा के लिए जा रही हूँ अपनी बड़ी मम्मी के घर। और ये देखिए, ये बिस्तर पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि इसमें अब ये काम लगना शुरू होगा। तो आज से वो भैया आएंगे और ये काम लगाएंगे। और ये देखिए, मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है, इसने येलो कलर का ट्रेडिशनल कुर्ता पहना।
हाय 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 लिटी हाय हाय भैया वीडियो चलते जीजा साला আমরা তো না তোমার দাদাকে মানে দরকার পড়লে মায়ের কাজ করে দরকার পড়লে মেয়ের কাজ করে পাখি আর দু কুদু ওহাও খিলাও থোড়া সা উসকো ইয়ে পুরা কো খায়েগা চলো লবি তুমি বেঠো বাবু बस चलो चलो बोलो बोलो की बस दाड़ा दाड़ा चलो करो करो तुम उस दिन कैसे कर रही है एक लाख लाइक आ जाएगी एक लाख लाइक आ जाएगी केदार मगर ना क्या कर रही है अरे छोड़ तो मैं सीरा अच्छे से सब यहाँ पर वीडियो बनाने में व्यस्त है लो एटा फूस होएगा लो चलो मैं फिर चलो सब रोटी बना अच्छी इसकी हाँ आलू गोभी की सब्जी यहाँ पर है मटन राइस ये दिवाली का सट्टा लगाया जा रहा है क्या दिवाली थोड़ी ना है आज हाँ दिवाली थोड़ी ना है संडे है अच्छा संडे है तुम अपने पापा पे ध्यान दो मैं अपने पापा पे ध्यान दूंगी तुम एक्सपर्ट की आप दोनों ताश खेलने में तो हम लोग निकल गए हैं घर से तो अभी शाम के 6 बज रहा है तो अंधेरा होने से पहले सोचा निकल जाए लेकिन तो अभी अंधेरा तो हो ही गया यस आई गेस सो हाँ तो अभी हम लोग सिविल लाइन्स में यहाँ का स्पेशल जो मसाला कोल्ड ड्रिंक होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है तो हम लोग ले रहे हैं मसाला कोल्ड ड्रिंक बच्चे नहीं पियेंगे बस हम ही दोनों पियेंगे और मम्मी को मीठा पान खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए भी मीठा पान मार जो ने दो मिष्टी पान पैक करी नहीं हो बहुत दिनों के बाद एक गेट टुगेदर हुआ जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि शादी के काफ़ी साल बाद मैंने भाई भी सेलिब्रेट किया तो बहुत अच्छा लगा और सब भाई बहनों ने पुरानी बातें की बचपन की बातें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा थैंक यू घर आ गई हूँ अभी बज रहा है 7:15 बनाया एक अच्छी सी चाय हम लोग सब ने बैठ कर चाय पी और टिया नेल पॉलिश लगाना तो ये देखिए ये कुर्ते का एक सेट है कुर्ते पैजामे का ये
बहुत ही अच्छे मटेरियल में, बहुत ही अच्छे फैब्रिक में है, प्योर कॉटन का। ये है पूरा कुर्ते का सेट और नीचे वाइट कलर का पैजामा है, बहुत ही खूबसूरत सा। ये जो है पीयू ने, मतलब मेरी सिस्टर ने, मेरे हस्बैंड को उसने गिफ्ट किया ये है, और इसके साथ ये वाइट कलर का इसका नीचे का पैजामा। और ये इधर भैया लोग काम पर लग चुके हैं। ये बेड पूरा खुल चुका है, तो ये काम जो है दो दिन में हो जाएगा। भैया ने बोला दो दिन में ये पूरा दीवान बनकर रेडी हो जाएगा। तो मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैंने मम्मी के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट लिया है, तो चलिए उसको बताने का आपको टाइम आ गया है। तो ये देखिए, ये मम्मी के लिए बहुत प्यारा, बहुत ही प्रीशियस, मेरे लिए तो बहुत ही प्रीशियस है, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा, और मम्मी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने इसमें क्या लिया है एक्चुअली। और मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये दो ऐसे कंगन मैंने मम्मी के लिए लिया है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये है मम्मी का प्यारा सा गिफ्ट जो मैंने लिया है सिसोदिया ज्वेलर्स से। 1000। तो आज जो है खाना बनाने वाली आंटी हैं वो नहीं आएंगी, वो कह रही उनका सर थोड़ा सा घूम रहा है, तो थोड़ी देर पहले उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आज वो नहीं आ पाएंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ रोटी बनाने, और हस्बैंड ने बोला है कि वो अंडा भुर्जी बनाएंगे, तो प्याज टमाटर वो काम बोले काट के रखो, मैं आकर बना लूँगा। जा रहे फटाफट रात के डिनर की तैयारी करने, क्योंकि सारा दिन जो है बाहर एक्सर्शन हो गया बच्चों के ऊपर, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो सोचिए उस फटाफट खाना खा के उनको सुला दूँ। बैग गुच्छी दीजिए दूजो नेरी, ठीक है? तो चल ना दादा गुच्छी देवे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, जो कि बहुत ही अच्छा जो है आज मेरा दिन बीता है। तो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको हम कैप्चर करके रखें, ताकि हम उनको काफ़ी सालों बाद भी देखें, तो उन मोमेंट को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, प्यारा सा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।